सरिया और स्टील व्यापारी राजीव शर्मा सड़क हादसे का शिकार हुए। हालांकि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन उनके ड्राइवर और उनको गंभीर चोटें आई हैं। नगर के स्टेशन रोड निवासी स्टील और सरिया के थोक व्यापारी राजीव शर्मा पुत्र रामचरण शर्मा सड़क हादसे का उस समय शिकार हो गए जब वह जैतरा से वापस मैनपुरी अपने घर आ रहे थे। जैसे ही वह डस्टर गाड़ी संख्या UP84Z4253 पर सवार होकर ड्राइवर दिनेश सिंह चौहान के साथ करीमगंज के समीप पहुंचे, वैसे ही मोड़ पर अचानक गाड़ी असंतुलित हो गई और खेतों में जाकर पलट गई। गाड़ी ने आधा दर्जन से अधिक पलटी खाई। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, तस्वीरों को देखने से अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भयानक होगा, लेकिन हादसे के बाद कोई जनहानि नहीं हुई। ड्राइवर और गाड़ी में सवार स्टील और सरिया व्यापारी राजीव शर्मा के चोटें आई हैं। ग्रामीणों और निवासियों की सहायता से दोनों को ही गाड़ी से बाहर निकालकर स्वास्थ्य जिला अस्पताल लाया गया। यहां उनको प्राथमिक उपचार दिया गया। पूरे हादसे के बारे में क्या कुछ बताया है राजीव शर्मा ने, यह जरा आप भी सुनिए। नाम है आपका? राजीव शर्मा। राजीव जी, ये बताइए क्या घटना हुई थी? कल शाम को 4 बजे के लगभग तुरावली से वापस आ रहा था, तो करीमगंज से पहले सलीमपुर एक गांव है, वहां पर एक मोड़ पड़ता है, उससे पहले ही एक फोन की घंटी बजती है। ड्राइवर ने थोड़ा सा झांक के देखा, इतने में वो मोड़ सामने आ गया। मैं बोलता रहा अरे मोड़ आ गया, लेकिन वो कंट्रोल करते करते गाड़ी डिवाइडर के ऊपर चढ़ गई, और उसके बाद जो है ना 3-4 पलटे लिए और मैं गाड़ी में घूमता रहा। तो खेत में जाके जब गाड़ी निकली तो गिरी है, उसके बाद मैं निकला, मैंने देखा कि मेरा जो साथी ड्राइवर था वो बहुत ज़्यादा लहूलुहान था। तो मैंने गांव वालों की सहायता से तुरंत एम्बुलेंस का इंतजाम करा के उसको हॉस्पिटलाइज करवाया। गाड़ी में कितने लोग थे? हम 2 ही लोग थे।